धर्मसभा की बैठक होने जा रही है, यहाँ पर संतों को लेकर के धर्मसभा की बैठक होनी थी, लेकिन विश्वहिंदु परिषद इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा ले रहा है, क्या है पूरा मामला? संतों के आदेश पर ही विश्वहिंदु परिषद काम करता है, और संतों ने ही आदेश दिया है कि सारे राम भक्तों को बुला करके बड़े भक्तमाल की बगिया अयोध्या में एक विराट धर्मसभा आयोजित की जाए, और ये संतों के आदेश पर ही काम हो रहा है। विश्वहिंदु परिषद जो काम कर रहा है संतों के आदेश पर ही कर रहा है। गोंडा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देशन में जो विविध संगठन हैं उन सारे संगठनों ने 62,000 संख्या का लक्ष्य लिया है, और सारे संगठन मिल करके 62,000 संख्या ले जाने को सोचे हैं, और कल की जो धर्मसभा है उसमें हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास है। आप न्योता बांट रहे हैं लोगों को, कैसे न्योता बांट रहे हैं? हम हमारे कार्यकर्ता विविध संगठनों के सारे कार्यकर्ता घर घर जा करके, मोहल्लों में जा करके, वार्डों में जा करके, गांवों में जा करके पुरातन पद्धति के आधार पर लोगों को हल्दी और अक्षत दे करके धर्मसभा में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको चलने को कह रहे हैं, और इसमें महिलाओं का अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या माना जाए कि धर्मसभा से क्या मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त होने जा रहा है? हम अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए धर्मसभा में जा रहे हैं, इस देश की व्यवस्था को हम बताने जा रहे हैं कि हमको भगवान राम के मंदिर के नीचे कोई भी बात स्वीकार नहीं। लेकर क्या तैयारी है, किस तरह से तैयार हैं आप लोग, कितनी संख्या में यहाँ से लोग पहुँचेंगे? 25 नवंबर को जो हमारे संतों द्वारा धर्मसभा का आयोजन अयोध्या जी में किया गया है, उसके लिए गोंडा जनपद भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या जी जाने के लिए तैयार हैं। ये उसी का एक नमूना है जो आज आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में नौजवान और राम भक्त अयोध्या चलने के लिए तैयार हैं। अभी लक्ष्य तो हम लोगों का 55-60 हज़ार के आसपास है, लेकिन 50,000-60,000 से कम संख्या जाएगी भी नहीं। नहीं देखिए, ये तो गोंडा जनपद बीच में आता है, गोंडा जनपद से जो लोग जाएंगे वो तो जाएंगे ही, इसके अतिरिक्त जो सीमावर्ती जनपद है जो गोंडा जिनके बीच में पड़ता है अयोध्या जी के और उन जनपदों के बीच में पड़ता है, तो उन वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं उन लोगों की सुरक्षा भी हम लोगों को निश्चित करानी है। तो उसको सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने रूट पे प्लान किया है कि एक तो जहाँ पे सक्रिय चीज़ें हैं, सक्रिय पुल है या रेलवे क्रॉसिंग के कारण जाम रहने की संभावना है, उस पोर्शन को हमने वहाँ पे वन वे ट्रैफिक कराने का योजना बनाई है कि उसको वन वे रखा जाए, जिससे कि वहाँ पे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं पड़े, जिससे यात्रा में कोई व्यवधान उत्पन्न हो, साथ ही सुरक्षित यात्रा रहे और कहीं पे कोई आपत्तिजनक वो न हो, उसके लिए पर्याप्त पुलिस बल रास्ते के थानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो इस चीज़ को सुनिश्चित करेगा कि यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। क्या बैरिकेडिंग नहीं, बैरियर बनाए गए हैं, क्योंकि जो हमारे यात्री वाहन हैं, जो अयोध्या की ओर जाने वाले धर्मयात्री हैं, धर्म संसद में भाग लेने वाले जो यात्री हैं, उन लोगों की जो बसें हैं वो चली जाएँ और उसमें कोई इस तरह की बाधा न पड़े, जिससे कि कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो अथवा जाम की स्थिति हो, तो उसके लिए जो भारी वाहन है उनका रूट डाइवर्ट किया गया है, उनको उस रूट पे न जाने के बजाय दूसरे रूट से बहराइच और बलरामपुर होते हुए संत कबीर नगर की ओर भेजने के लिए हम लोगों ने कहा है, आग्रह किया संबंधित जनपदों को और अपने DIG महोदय से भी अनुरोध किया है कि उनके स्तर से भी इसके संबंध में निर्देश जारी हो जाए। देखिए, ये तो गोपनीय सूचनाएं हैं, भीड़ के बारे में हम लोग जो आयोजक हैं वही बता सकते हैं कितनी भीड़ जाएगी। हम लोगों को सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करानी है, यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने का हम लोगों का उद्देश्य है, तो उसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। भीड़ को जुटाने का और भीड़ का वो करने का वो दायित्व जो आयोजक हैं उन लोगों का है।